कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है माँ की अहमियत। मैं अपनी कविता को पहली पंक्ति से शुरू करता हूँ। ना मैं गीता पढ़ता हूँ, ना मैं कुरान पढ़ता हूँ। ना मैं किसी मंदिर में अपने सचदेव को झुकाता हूँ। पूजा मैं उस देवी की करता हूँ जिसने मुझे जीवन जीना सिखाया। वो है वर्णमाला का शब्द माँ कि सच कहते हैं जिंदगी मिलना ना आसान है जिसने मुझे जिंदगी दी, हाँ वही तो मेरी माँ है। थैंक यू, धन्यवाद। जब पहली बार देखा उसको तो चेहरा खिला था। आंखों में मेरे आंसू थे, पर मेरे रूप में उसे एक बेटा मिला था। जब मैं हंसूं तो वह हंस देती है। ना जाने कितना ना समझ हूं मैं, मुझे भी पता है कि माँ क्या होती है। धन्यवाद। ना हाथ से निवाला उठाया जाता है, ना पैरों से खुद चला जाता है। तब माँ की अहमियत का मुझे पता चल जाता है। और रोना तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था। जब मैं बहुत छोटा था और मैंने अपनी माँ की अहमियत को समझा, तो रोना तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था, तब आंसू पहुँचने के लिए उसी माँ का हाथ आगे आया करता था। और तब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा रिश्ते परिवार समाज बहुत होता है, पर ये हर एक रिश्ता परिवार समाज माँ के बाद ही होता है। बड़ा मैं खुद को कितना भी समझ लूँ पर अभी भी मैं एक माँ के लिए एक छोटा बेटा हूँ। अब मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ मेरे बारे में पूछना है तो मेरी माँ से पूछना, उससे ज़्यादा मैं खुद को भी नहीं जानता। और नारी शक्ति का सम्मान करते हुए मैं एक बात बोलूँगा, माँ तो माँ होती है, क्या वो मेरी हो या आपकी हो। माँ तो माँ होती है, बोला जाता है, किसी ने बोला पापा के ऊपर, किसी ने बोला माँ के ऊपर, पर मैंने बोला है माँ के ऊपर। तो माँ इसलिए बड़ी होती है, मैं आज माँ की अहमियत को इसलिए बताता हूँ, क्योंकि पुरुष को जन्म देने वाली भी महिला होती है, इसीलिए माँ बड़ी होती है और माँ की अहमियत को समझा जाता है। थैंक्स फॉर मम्मा गिविंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ एंड थैंक यू सो मच।